हेलो नमस्कार, मैं राजमोहन मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत एमएससी फाइनल जूलॉजी का पेपर एंटोमोलॉजी के अंतर्गत पेस्ट सर्विलियंस हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, इंसेक्ट पेस्ट इंसेक्ट की स्पीसीज कौन सी होती है के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इंसेक्ट पेस्ट, जैसा कि पेस्ट शब्द होता है वो लैटिन वर्ड पेस्टिस से बना है या प्लेग्यू। एन इंसेक्ट रीचेज द स्टेटस ऑफ पेस्ट इज नंबर इंक्रीज एंड इन्फ्लिक्ट सिग्निफिकेंट डैमेज। पेस्ट का मतलब होता है जब इंसेक्ट सामान्यतः जिनकी पॉपुलेशन डैमेज जो ज़्यादा क्षति पहुंचाता है फसल को, डाइवर्सिटी को, इकोसिस्टम को, तो उसको इंसेक्ट नाम दिया जाता है। लेकिन जब इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा संख्या में बढ़ती है और ये बायोलॉजिकल इकोसिस्टम को ज़्यादा मात्रा में डैमेज या क्षति पहुंचाता है तो हम उस इंसेक्ट की स्पीसीज को इंसेक्ट पेस्ट के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं कि जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। सामान्यतः इसकी कैटेगरीज के अंदर हम देखते हैं डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द इंसेक्ट पेस्ट, जिसमें पहले नंबर पर आता है रेगुलर पेस्ट। अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली रेगुलरली इन ए क्रॉप एंड हैव क्लोज एसोसिएशन विद दैट पर्टिकुलर क्रॉप। रेगुलर पेस्ट इंसेक्ट की उस स्पीसीज को कहते हैं जो एक पर्टिकुलर समय पर जब फसल या कल्टीवेशन होती है, विभिन्न प्रकार की क्रॉप्स होती है, उसके कल्टीवेशन के टाइम पर एक निश्चित समय पर वो रेगुलरली उस समय पर पहुंच जाता है और उस फसल को क्षति पहुंचाता है। ये सामान्यतः उस एनवायरनमेंट के आसपास ही रहते हैं जहां पर ये फसल या बायोडाइवर्सिटीज होती है, तो ये पर्टिकुलर क्रॉप के समय ये वहां पर पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से ये रेगुलर प्रत्येक वर्ष ये प्रक्रिया की जाती है, इसलिए इसको रेगुलर पेस्ट के नाम से जानते हैं। जैसे चिल्ली थ्रिप्स, ब्रिंजल सूट, फ्रूट बॉरर आदि ये इंसेक्ट होते हैं जो रेगुलरली जब फसल कल्टीवेट होती है तो एक निश्चित समय पर ये पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट है ओकेजनल पेस्ट। हेयर ए क्लोज एसोसिएशन विद ए पर्टिकुलर क्रॉप इज एबसेंट, दे अकर इनफ्रिक्वेंटली। ओकेजनल पेस्ट होता है ये रेगुलर पेस्ट की तरह किसी पर्टिकुलर क्रॉप से इसके एसोसिएशन नहीं होता है, लेकिन ये ओकेजनली कभी कभार अकस्मात बाई कोइंसिडेंस उस क्षेत्र में पहुंच जाते हैं और उस फसल को या इकोसिस्टम को, डाइवर्सिटी को क्षति पहुंचाने का काम करते हैं। तो इस प्रकार के जो पेस्ट होते हैं वो ओकेजनल पेस्ट के अंतर्गत आते हैं। जैसे राइस कैस्ट वर्म है, कैस्टर कैटरपिलर है, मैंगो स्टीम बोरर है आदि इसके एग्जांपल्स है। नेक्स्ट है सीजनल पेस्ट। अकर मोस्टली ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ईयर एंड यूजुअली इंसिडेंस एंड गवर्न बाय द क्लाइमेटिक कंडीशन। सीजनल पेस्ट जो एक विशेष सीजन में, ईयर के विशेष सीजन में ये पेस्ट के रूप में पाए जाते हैं और ये इंसिडेंस इन गवर्न बाय द क्लाइमेटिक कंडीशन या क्लाइमेटिक कंडीशन में चेंज होने के कारण ये एक पर्टिकुलर समय पर, टाइम पर पहुंच जाते हैं, इसलिए इनको सीजनल पेस्ट के नाम से जाना जाता है। जैसे रेड हेयरी कैटरपिलर है, ग्राउंडनट है, जून जुलाई में आता है, राइस ग्रास ऑपर्स होते हैं जून जुलाई के अंतर्गत, पेडी क्लाई क्लाइंबिंग कटवर्म है। नेक्स्ट है परसिस्टेंस पेस्ट। अकर्स ऑन ए क्रॉप ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। इस प्रकार के जो पेस्ट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, ये हमेशा ही उस क्रॉप के आसपास पाए जाते हैं और उसको क्षति पहुंचाते रहते हैं। ये स्थायी होते हैं और लगातार उस क्षेत्र में निवास करते हैं। जैसे स्केल्स एंड मेलीबग ऑन मैनी क्रॉप्स, थ्रिप्स ऑन चिल्स, पेडी स्टेम बोरर आदि।
नेक्स्ट है स्पोर्टिक पेस्ट अकर्स ऑन ए फ्यू आइसोलेटेड लोकेलिटीज। इस प्रकार के जो पेस्ट होते हैं एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर रेस्ट्रिक्ट रहते हैं, उसी के अंदर ये पाए जाते हैं, दूसरे क्षेत्रों में नहीं फैलते हैं। इस प्रकार के जो पेस्ट स्पीसीज होती है वो स्पोर्डिक पेस्ट के अंतर्गत आते हैं, जैसे कोकोनट स्लग कैटरपिलर, राइस ईयर हेडबग, कैस्टर स्लग कैटरपिलर आदि इस प्रकार के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट है एपिडेमिक पेस्ट अकर्स इन ए सिवियर फॉर्म्स इन रीजन और लोकेलिटीज ए पर्टिकुलर सीजन ऑफ ए टाइम ओनली। इस प्रकार के जो पेस्ट होते हैं ये एक पर्टिकुलर टाइम पर एक पर्टिकुलर स्थान पर ज़्यादा अधिक मात्रा में इनकी संख्या बढ़ जाती है और उसको डैमेज बायोडाइवर्सिटी को, क्रॉप को, इकोसिस्टम को, एग्रो इकोसिस्टम को बहुत अधिक मात्रा में क्षति पहुँचाते हैं, इसलिए इनको एपिडेमिक पेस्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है एंडेमिक पेस्ट अकर्स रेगुलरली एंड कन्फर्म मोस्ट टू द पर्टिकुलर एरिया ऑफ लोकेलिटीज। इस प्रकार के जो पेस्ट होते हैं वो एक रेगुलरली और कन्फिन्ड मोस्टली पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, जैसे रेड हेयरी कैटरपिलर है। इस प्रकार के एग्जाम पेडिकाल फ्लाइज है, ये बाकी के इनके एंटोमोलॉजिकल नेम होते हैं। तो इस प्रकार से ये 6 से 7 प्रकार के पेस्ट पाए जाते हैं। जो इंसेक्ट की पॉपुलेशन होती है वो क्लाइमेट में विशेष प्रकार का परिवर्तन होता है तो उनकी संख्या में वृद्धि होती है और उस क्षेत्र में रहने वाले क्रॉप इको डाइवर्सिटी वगैरह इनको क्षति पहुंचाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर ये पेस्ट के टाइप्स के बारे में पढ़ा, पेस्ट की डेफिनेशन के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा है। थैंक यू।